हरे कृष्णा, श्री उपनिषद मंत्र 8। सपर्यगाच्छु क्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कवीर्मणीषी परिभुः स्वयंभुः यथा तथ्यतुर्थं व्यदधच्च स्वतिभ्यः समभ्यः सपर्यगाच्छु क्रमकायमव्रण मस्नाविदं शुद्धमपापविद्धम् कवीर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः यथा तथ्योतोर्थं व्यदधच्च स्वतिभ्यः समभ्यः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराव से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान को हर एक के अंदर देख सकते हैं और आत्मा को भी भगवान के समान गुण वाला देखता है और जिसके हृदय में मोह और चिंता नहीं है, यानी जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होना चाहते हैं या है, लेकिन भगवान कौन है इसमें भ्रमित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण है, ये शास्त्रों में हमें पता चलता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि भगवान जो है कितना महान है और वो अदेहधारी है। कई लोग सोचते हैं, मायावादी लोग, कि निराकार भगवान आकार लेते हैं जब से निराकार भगवान से जब कृष्ण या राम जो ये आते हैं, तो ये लोग एक्चुअली साधारण मनुष्य जैसे ही होते हैं, माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, हमारे जैसे शरीर होते हैं, ऐसे सोचते हैं। या बहुत सारे नास्तिकतावादी भी भगवान को एक मनुष्य समझते हैं जब वो धरातल पर अवतरित होते हैं। तो ये जानना चाहिए कि भगवान अदेहधारी है, उनको अलग से हमारी तरह देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम आत्मा हैं, तो जब हम पृथ्वी लोक में आते हैं तो या तो कर्म शरीर मिलता है या भोग शरीर मिलता है। तो कर्म शरीर मतलब मनुष्य का शरीर और भोग शरीर मतलब पशु पक्षी तरु तृण जो भुगत रहे अपने पापों को। देवता के लोग जब हम लोक में हम जब जाते हैं पुण्य कर्म के बल पर, तो देव शरीर मिलता है। पाप कर्मों के कारण जब हम नरक जाते हैं तो यातना शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हमें देह धारण करना पड़ता है। लेकिन भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, भगवान को कोई भी देह धारण करने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। तो हमारे हृदय को पवित्र रखना है, हमारे भावनाओं को पवित्र रखना है, हमारे मन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, निंदा या बुरी भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। इससे कृष्णा अत्यंत खुश होंगे क्योंकि वो सर्वज्ञ है। हमारे हृदय में जब एकमात्र इच्छा ये रहेगी कि हम शुद्ध भक्ति करें और बाकी सब लोग भी जो हमारे आसपास हैं, ये ना के ना प्रकार है ना, हम उनको भी भक्ति में एंगेज करने का प्रयत्न करें। तो भगवान सर्वज्ञ है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉस को आपको बताना पड़ता है कि आप कितना एफिशिएंट है, कृष्ण को बताने की ज़रूरत नहीं है। या आपके बॉस को आपको बताना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कितना मेहनत किया है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है।
यहाँ तक कि माता पिता भी बच्चों को कई बार गलत समझ बैठते हैं या उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक पिता ने उनका नया गाड़ी लिया था, तो नए गाड़ी में उन्होंने एक क्रैच देखा कि उनका बेटा कुछ कुछ ऐसे तीखा सा कुछ आयरन कुछ लेके गाड़ी में कुछ लिख रहा है। तो पिता ने देखा तो बहुत गुस्सा आया, नया गाड़ी खरीदा कितना गुस्सा आएगा, तो बेटे की उंगली में बहुत जोर से मारा जिससे उनका एक उंगली फ्रैक्चर हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में जब वो गाड़ी के पास आए देखने के लिए, बेटा ने क्या लिखा था, छोटा बच्चा, आई लव यू डैड, ये लिखा था। तो मिसअंडरस्टैंड, तब डैड जो है उनका पापा बहुत रोए कि ऐसा हो गया। लेकिन मम्मी पापा भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा जो परम पिता है, जो सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है, वो हमें कभी भी गलत नहीं समझते हैं और हमारी बहुत सारी गलतियों को भी वो माफ़ करते रहते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन को वो जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं हम गलती करते रहे, हमें सुधरने का पूरा प्रयास करना चाहिए और कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। अनिंद्या, अनिंद्या का मतलब है जो निंदा आदि से ऊपर। हालांकि जो नास्तिक व्यक्ति है वो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको निंदा करना उनका फेवरेट जॉब है, तो भगवान तक नहीं छोड़ते। राम जी की भी कितनी निंदा की, कृष्णा है तो कितनी निंदा की शिशुपाल ने या कंस ने। तो फिर हम तो ऐसे भी मनुष्य जो है बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो हमारा निंदा हो तो इतना बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भी निंदा, जो परफेक्ट है, राम जी परफेक्ट है, गॉड इज ओनली परफेक्ट, उनकी भी निंदा इस धरातल पर लोग करते हैं। तो लोगों का काम है कहना, तो हमें है आगे बढ़ना, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। लोग क्या कहे क्या ना कहे उसके प्रति इतना ध्यान नहीं देना है। तो भगवान जो है निंदाओं से परे है, हम भगवान की कोई भी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं या भगवान के कार्यों को हम समझ नहीं सकते हैं। शिराओं से विहीन है, जैसे हमारे में शिरा उपशिरा है ना, नर्व्स है हमारे बॉडी में, भगवान के बॉडी में ये सब नहीं होता। वो शुद्ध है, अदूषित है, आत्मनिर्भर दार्शनिक है। मतलब जैसे हमारे जो है दार्शनिक जो होते हैं तो उनको बहुत कुछ जो है बाहर से ज्ञान चाहिए, फिर अपना कुछ फिलोसफी डेवलप करते हैं। लेकिन भगवान आत्मनिर्भर दार्शनिक है और अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है तो उस स्वतंत्रता पर वो हस्तक्षेप नहीं करते, और इसलिए जो है वो हमेशा जो भी इच्छा करें, कोई बुरी भावना से भी कुछ इच्छा करते हैं तो वो भी एक्चुअली पूरी हो जाता है। तो इसलिए हमें इच्छा बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरी इच्छा से हमारी जो है पाप कार्य में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए तात्पर्य यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है। तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो उसी रूप के साथ इस धरातल पर आते हैं, लेकिन उनका वो रूप जो है इस धरातल के शरीर के साथ कभी भी मेल नहीं खाता है। तो इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध है, या हमारा जो शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। अभी भी बहुत कुछ है जो वैज्ञानिकों को जानना है। तो जो वैज्ञानिकों के भी जो स्वामी है वो कृष्ण है। कृष्ण ने हर एक के जो शरीर को बनाया और शरीर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, एक आइस के अंदर ही इतना साइंस भर दिया। या आप देखिए कि अभी जैसे आधार कार्ड में अंगूठा लग रहा है, तो अंगूठे का जो वो है सबका अलग अलग है तभी तो लग रहा है। तो ये किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कितना शक्तिशाली है, और हमारा भौतिक शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है, लेकिन भगवान का शरीर जो है दिव्य है। लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में कोई ऐसा यांत्रिक बनावट नहीं होता, शिरा, मांसपेशी या जैसे कि ब्लड एक्सेट्रा नहीं होता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वो अदेहधारी है, जिसका अर्थ है उनके शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है।
और ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं। तो प्रकृति का नियम का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रकृति के नियम को उल्लंघा करते हैं तो फिर उनको जैसा कर्म वैसा उनको मिलता है। तो भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। आत्मा कारण शरीर है और आत्मा के ऊपर जो है आवरण है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर का जो पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल से बना हुआ है। तो भगवान की जो शरीर है मन है आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान परम पूर्ण है और शरीर मन आत्मा स्वयं एक ही है। ब्रह्म संहिता में 5.1 श्लोका में ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व ज्ञान और आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है। तो भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, इसलिए हमें गोविंदा जो आदि पुरुष है उनका भजन करना चाहिए। तो वो पूर्ण पूर्ण है सब में से। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्योति में सिर्फ शाश्वतता है, इटर्निटी है, और परमात्मा में शाश्वतता भी है और ज्ञान भी है, पूर्ण ज्ञान भी है, लेकिन आनंद वहां भी नहीं है। लेकिन कृष्ण में सच्चिदानंद, सच्चित आनंद तीनों है, इसलिए आनंद का जो उत्स है वो कृष्ण ही है। तो जब तक हम कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते, तब तक हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से भिन्न होता है, और भिन्न होने के कारण उनको निराकार कहा गया है, मतलब भौतिक आकार जिसका नहीं है, इसका अर्थ यह है। ब्रह्म संहिता में 5.32 में आगे कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, यानी भगवान अपने हाथों से भी चल सकते हैं और जो व्यक्ति नहीं कर सकते, या पाँव से कोई वस्तु पकड़ सकते हैं, या हाथों से और पैरों से भी देख सकते हैं, या आँखों से भी खा सकते हैं, आँखों से भी और बहुत सारा कार्य कर सकते हैं देखने के अलावा। तो उनका हर एक अंग जो है हर कार्य कर सकते हैं, इसलिए जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो ऐसे रखते हैं कि भगवान की नजर उसमें पड़े, आंखों से ग्रहण करे भगवान। और जब हम भगवान का भोग मंत्र गाते हैं ना, तो फिर भोग मंत्र में भी भगवान श्रवण करके ही भोग ग्रहण करते हैं, तो भगवान कर सकते हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, लेकिन उनका भिन्न प्रकार के हाथ पैर होते हैं, और भिन्न प्रकार के हाथ पैर, जैसे कि उनका इतना हाथ पैर मतलब पूरे उसमें फैला हुआ है, उनके पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, और उनका सब दिव्य है, ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान जो है शुक्रम कहा गया है 8वें मंत्र में, कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान का पूज्य स्वरूप यानी अर्चा विग्रह, जिसकी स्थापना प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है, जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है कि भगवान मूल स्वरूप से अभिन्न है। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, प्रामाणिक आचार्य होते हैं, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो उन लोगों ने भगवान का अर्च विग्रह का हमारे लिए जो है अर्च विग्रह को जो है मंदिरों में स्थापना की है, और अर्च विग्रह फिर अर्च विग्रह का दर्शन करने हमें मंदिर जाना चाहिए, अर्च विग्रह से बातें करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, उनसे कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान का जो मूल स्वरूप है, ओरिजिन है, वो कृष्ण है, लेकिन उनका अनेक अवतार है, जैसे बलदेव, राम, नृसिंह, बरा। तो ये सारे के सारे जो स्वरूप है एक ही भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है, नरसिंह भगवान भी भगवान है। तो ये भगवान कृष्ण जो है आदि विष्णु है, और उसके बाद कृष्ण से ही आगे और अनंत जो है वैकुंठ लोक में अनंत विष्णु का विस्तार होता है, या नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न विस्तार होता है। तो अर्च विग्रह एक्चुअली भगवान का अर्च अवतार है, जो लोग बोलते हैं कि मूर्ति,
तो भगवान की जो मूर्ति है वो भगवान के ही अवतार है, अक्षय विग्रह के रूप में और विस्तारित रूप है, जैसे कि अवतार लोग होते हैं ना वैसे। अक्षय विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत भगवान के निकट पहुंच सकता है। रागानुगा भक्ति, साधन भक्ति दो प्रकार के है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति मतलब हमें नियम कानून का जो है भक्ति के एकदम पक्का पालन करना चाहिए नियमों का। और रागानुगा साधना भक्ति में क्या होता है, हमारा जो है जैसे अभी मान लीजिए हमें सुबह उठना है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का सुरमला करना है, आरती करना है, तो ये हम एक नियम के अनुसार करते हैं, साधु या शास्त्र या गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए या डर से। लेकिन जब हमें हमारे अंदर रागानुगा भक्ति उदय हो जाता है तो हम स्पॉन्टेनियसली करते हैं, हमें कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता, हम अपने आप करते हैं। तो ये रागानुगा भक्ति कहा गया है। और रागानुगा भक्ति के उदय होने में बहुत सहायक है अक्षय विग्रह, क्योंकि आपके घर में जब अक्षय विग्रह होते हैं, अक्षय विग्रह कैसे भी हो सकते हैं, फोटो भी हो सकता है, तो या कोई धातु की या पीतल की मूर्ति हो सकता है, लेकिन जो भी हो, जब आप अक्षय विग्रह की सेवा करते हो, आरती करते हैं, आप कीर्तन करते हैं या भगवान का अभिषेकम करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो आपको ये अटैचमेंट हो जाता है। आप भगवान को 3 बार खिलाते हैं दिन में, तो आपको ऐसा लगता है जब आप बाहर जाते हैं कि मैं यहाँ लेट हो गई या लेट हो गया, भगवान भूखे बैठे हैं, लाइक दैट। तो ये रागानुगा भक्ति का लक्षण है। तो ये रागानुगा भक्ति में हमें बहुत सहायता करते हैं। और उनका इतना सर्वशक्तिमत्ता है कि जब अक्षय विग्रह हमारे पास है तो वो ऐसे ही कार्य करते हैं कि मूल रूप जिस प्रकार कार्य करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण में और कृष्ण के अक्षय विग्रह में। जिन मूर्ख लोगों को ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वो शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अक्षय विग्रह को क्या मानते हैं, भौतिक तत्व से निर्मित। वो बोलेंगे अरे मूर्ति पूजा मत करो, ऐसे बोलेंगे, भगवान की मूर्ति की पूजा मत करो, क्योंकि वो नितांत भौतिकतावादी है, उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, और इसलिए वो ऐसे बातें करते हैं और सोचते हैं कि ये तो पत्थर का बना हुआ है। तो इसलिए ये जो आजकल फिल्मों में या बातों में या फेसबुक में या सोशल मीडियाज में पत्थर में दूध डालने से क्या होगा, आप गरीबों को दो, तो ऐसा करके वो जो है लोगों को इमोशनल फूल बनाते हैं। तो लोगों को लगने लगता है हाँ ये तो, वो लोग भी ऐसे सोचने लगते हैं शायद ये जो शिवलिंग है या भगवान का विग्रह है तो ये तो पत्थर का ही है, तो हम जो है इससे अच्छा गरीबों को खिलाए कुछ लाभ होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है। अगर गरीबी है हमारी दुनिया में या भारत में भी, तो इसलिए है क्योंकि लोगों ने हृदय से भगवान को निकाल फेंका है, और इसीलिए है शास्त्रों का आदेश पालन नहीं करते हैं। हाँ ये जरूरी है कि अभिषेक किया गया जो दूध है वो चरणामृत के रूप में सबको बांटना चाहिए, और जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में जो भी अभिषेक कम होता है, सारा के सारा जो दूध दही हनी जिससे जो भी है चरणामृत रोज बढ़ता है, तो इसमें हमें मैनेजमेंट को देखना चाहिए, ना कि लोगों के दिमाग में ये घुसाना चाहिए जो गलत चीज़ है, पत्थर है मूर्ति ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मूल रूप की तरह कार्य करते हैं और भक्तों के प्रेम के कारण भगवान वहाँ निवास करने लगते हैं। तो ये जो लोग ऐसा ऐसी बातें फैलाते हैं या करते हैं, ये मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों में आते आते हैं, और उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण उनको विग्रह भौतिक दिखता है। तो लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा के अनुसार जड़ को चेतन में बदल सकते हैं, चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। जैसे चेतन है भगवान का, जैसे हमने पढ़ा भी इस श्लोक में, कोई नर्व्स नहीं है या ब्लड ये सब से नहीं बना होता हमारी तरह भगवान का शरीर। लेकिन जब आप कुरुक्षेत्र के रण में जाएंगे, भीष्म को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा दिखाया कि बाण लग गया और खून बहने लगा, चेतन को ऐसा दिखा दिया जैसे मैं जड़ हूँ, ऐसा दिखाया। और जड़ जैसे मूर्ति है पत्थर की, तो वो चेतन हो गए, साक्षी गोपाल चल के साउथ इंडिया से कहाँ कितना दूर चले गए, अभी भी है, जब आप जगन्नाथ पुरी जाते हैं तो बहुत लोग साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं, तो खीर छोड़ा गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। तो विग्रह है ये, लेकिन विग्रह क्या करते हैं, चेतन की तरह काम करते हैं, जैसे कोई चेतन व्यक्ति है। तो भगवत गीता 9.11 एंड 12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतित अवस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं क्योंकि वो मनुष्य के भांति अवतरित होते हैं। तो ऐसे जो अल्पज्ञ व्यक्ति हो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। अल्पज्ञ का मतलब है
एक्चुअली मूर्ख, लेकिन सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अल्पज्ञ, में थोड़ा सा कुछ पता है भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भगवान दुखी होते हैं ये देखकर कि इनका कितना पतित अवस्था है। तो एक श्लोक में भगवान कहते भी हैं कि ये मुझे मनुष्य जानकर मेरा उपहास उड़ाते, उपहास करते हैं। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते, वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। तो हम भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना हमारा शरणागति है। जैसे 12 महाजन है, तो 12 महाजन जैसे भीष्म है, मनु है, प्रहलाद है, तो ये 12 महाजन एक्चुअली वो लोग भगवान को हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनका शरणागति बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रहलाद की शरणागति हम जानते हैं, भीष्म की शरणागति हम जानते हैं, तो इसलिए हम अपने शरणागति को कृष्ण के ऊपर जितना बढ़ाएंगे, हम कृष्ण को उतना ही जान पाएंगे। जैसे कि आप आपका दिल कोई व्यक्ति जीत लेता है, कि आपको मालूम है कि आपके प्रति कोई बहुत सरेंडर्ड है और आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप अपने अपने जो अपने बारे में उनको सबसे ज़्यादा अधिक बताते हैं। इसलिए जो है बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि अगर दोस्त रुझ जाए तो मना लो, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप उनसे प्रसन्न होकर उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, उसे क्रिस भी बता दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हमें सब कुछ जानने का मौका देते हैं, हमें जान सकते हैं हम जितना हम शरणागत होते हैं उतना। जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति है। तो हमें भगवान के प्रति जो विस्मृति है, उसे अगर हम स्मृति में बदल दें, फिर से हम भगवान को स्मरण करने लग जाए, तो फिर हमारा समस्त मोह शोक दूर हो जाएगा, पतित अवस्था से हम उच्च अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने आप हो रहा है, तो ये हमारे अल्पज्ञ होने का परिचय देता है, क्योंकि तो कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, सब कुछ भगवान करते हैं। और ये जो हमें खाना पीना रहना ये सब कुछ मिल रहा है, ये भगवान की कृष्ण की कृपा के कारण है, और भगवान कृष्ण के हम सब संतानें हैं, अर्थात हम अंश हैं उनके, तो इसलिए वो हमारे देखभाल करते हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं, जो भी वस्तु चाहे। तो लेकिन बोलते हैं ना, पहले आप डिजर्व करो फिर डिजायर करो, तो हमें उतना परिश्रम करना चाहिए, हमें उतना क्वालिफाइड बनना चाहिए कि हम उस वस्तु को प्राप्त करें। तो अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें 24 घंटा मन को कैसे कृष्ण में लगाए रखना है, उसके ऊपर काम करना होगा। तो इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं कि यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट का अगर जज बनना चाहते हैं, तो उसे ना केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी पर जो है जाने के लिए उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको एग्जाम देना होगा, पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उसे उस अधिकारी की सहमति प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदवी प्रदान करता है, यानी अथॉरिटी का भी परमिशन चाहिए, सिर्फ क्वालिफिकेशन होने से नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होंगी। तो इसलिए बहुत लोग आजकल बहुत दुखी है, और बहुत सारे युवा युवा जो है बहुत दुखी है कि हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, इनके पढ़ लिख गए, लेकिन जो हमसे कम क्वालिफाइड है वो सिफारिश लगा लगा के गवर्नमेंट नौकरी ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है भौतिक जगत में, तो बहुत होता है, करप्शन है। लेकिन अगर हम ऐसे भी जाए, ऐसे भी समझे चीज़ों को, कि रिकमेंडेशन का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर आपको जज भी बनना है तो जो जज की पदवी प्रदान करते हैं उसका रिकमेंडेशन भी चाहिए, सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करने से भी नहीं होगा। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, लेकिन योग्यताएं मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भगवान को बाध्य कर दें और जो है ऐसा सोचे कि मैंने अब
क्वालिफाइड हो गए, मैं बहुत भक्ति कर लिया, अब आपको आना ही पड़ेगा मेरे लिए। अहंकार बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए, प्रेम बस सोच भी सकते हैं, लेकिन अहंकार बस अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमने भगवान को अपना सेवक बनाना चाहा, हमने भगवान को बांधना चाहा, हमने भगवान की भगवत्ता को नहीं पहचाना, और हमने भगवान पर शक किया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, उस बात पर शक किया, हमारा वो भरण पोषण कर रहे हैं जन्म जन्मांतर से, उस बात पर संदेह किया। तो इसलिए हमें भक्ति करना है और कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना है। आशा बंध समुत्कंठा, तो आशा बंध, आशा को बांध के रखना है कि एक ना एक दिन जो है भगवान मुझे दर्शन जरूर देंगे, और फिर मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, भक्ति करना। तो भक्ति में भी बहुत आनंद है, भक्ति करते रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो सामान्यतया जो जीव है वो ये नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए और किस पद के लिए याचना की जाए। तो जब तक हमें हमारा जो वैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का रियलाइजेशन नहीं होता, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं ये आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होता, जब तक हम शरीर के धरातल पर रहते हैं तो हम शरीर से संबंधित वस्तु ही मांगते हैं भगवान से, हम आत्मा संबंधी वस्तु नहीं मांगते कि भगवान मुझे आपका कृष्ण आप अपना प्रेम दीजिए, कृष्ण प्रेम चाहिए और मुझे भक्ति करना है, ऐसा नहीं मांग सकते वो, तो वो भौतिक चीज़ें ही मांगते रहते हैं। लेकिन जब उसको मालूम चल जाता है उसका वैधानिक स्थिति क्या है, जिबे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, उससे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान करे, उस दिव्यता में प्रवेश करने की उनकी अंदर से जो है उत्कंठा जागृत हो जाता है। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं, और उनकी इस मनोवृत्ति के वर्णन भगवद गीता 2.41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुनियावी बुद्धि विविध प्रकार की है। तो आध्यात्मिक बुद्धि एक है मतलब क्या है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स एलजब्रा का मान लीजिए कोई एक आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स को सेम सेम ही प्रॉब्लम दिया गया है सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो जब सही होगा तो सबका आंसर एक ही आता है। जैसे मान लीजिए आंसर था 25, तो सही होगा तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन गलत होगा तो अलग 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 आंसर आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक बातें हैं वो एक्चुअली एक ही है, और आध्यात्मिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब वो ऐसा हो जाता है कि आध्यात्मिक ना होकर बुद्धि हमारी जब दुर्बुद्धि हो जाती है, भौतिक जगत में लगने लगते हैं, तो विविध प्रकार की हो सकती है, या बहु शाखा विभक्त हो जाता है, बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है, परेशान होते रहते हैं हम लोग, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा फोकस रहता है कृष्णा, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि कृष्ण में स्थिर बुद्धि हो जाता है, तो फिर कोई भी जो है सिचुएशन आपको हिला नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवत 7वें स्कंध के 5वें अध्याय के 30 और 31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें भगवत धाम वापस जाना है। आसपास आपको बहुत सारे प्रवोक करने वाले लोग मिलते ही रहेंगे, हम सोचे कि शायद ये नहीं होता तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, होता, या ऐसा कोई सोच सकता है व्यक्ति की शायद मेरा ये बॉस नहीं होता तो मेरा ऑफिस लाइफ बहुत पीसफुल होता, अच्छा होता, या जैसे कि या पति पत्नी में भी सोच सकते हैं कि शायद ये मेरी पत्नी नहीं होती, कोई और होती तो मेरा जीवन बहुत सुखकर होता, या सास बहू में भी हो सकता है कि ये सास नहीं होती मेरी तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होता, शायद ऐसा सोच सकते हैं लोग कि दूसरे लोग हमें दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर ये नहीं होता तो कुछ और होता, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम है कृष्ण ने कहा, और अगर आपको दुख का अनुभव हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली है, तो हम बहुत जल्दी तीव्र गति से जो है प्रगति कर सकते हैं भक्ति में, भगवत धाम जाना हमारा जो है मेन गोल है, तो हम अपने जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य इसे भूलकर अनेक योजना बनाते हैं
और अपने कार्यक्रमों के द्वारा बैलेंस्ड बनाना चाहता है, संतुलन लाना चाहता है, लेकिन ये तो चबाए हुए को फिर से चबाने के जैसा है। आपको मालूम है, आपके दादाजी ने भी वही किया था, पापा जी ने भी वही किया, और आप भी वही कर रहे हैं, वही सेम भौतिक जीवन जी रहे हैं। तो चबाया हुआ को चबाने से रस रस नहीं मिलता है ना, जैसे आपने गन्ना खाया और चबा चबा के रस फेंक दिया, फिर इसको कोई चबाए तो क्या रस उसमें से निकलेगा। तो मनुष्य भूल जाते हैं और इसलिए बहुत सारा प्लानिंग बनाते रहते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं उसमें। लेकिन दिमाग अगर लगाना है, कृष्ण भक्ति में लगाना है कि कैसे भक्ति में प्रगति करो, कैसे मैं अपने आप को डिसिप्लिन करो, इसमें लगाना चाहिए। फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि ये भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं कि चलो चलो आगे चलो। तो भगवान बहुत कृपालु है। तो कई बार हम जो है गिर जाते हैं, तो उठने में भगवान ही मदद करते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द याथात थ्यतः का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। तो हमारे इच्छाओं को संयमित करना बहुत आवश्यक है। इसको बोलते हैं मन का वेग। मन में इच्छाएं आती रहती है ना, मन में विचार आती रहती है लगातार, तो गंदी विचारों को एंटरटेन नहीं करना, अच्छे विचारों को एंटरटेन करना है। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वो घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान कभी भी पिस्तौल लगाकर मुझसे प्रेम करो ऐसे बोलने नहीं आते हैं, जबरदस्ती हमें रोबोट बना के नहीं रखा, हमें स्वतंत्रता दिया है। तो व्यक्ति को बता दिया शास्त्र में कि ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो वैकुंठ जाओगे। अब हमारे पास चॉइस है, जैसे भक्त लोग ये चॉइस लिया है कि हम ये कार्य करेंगे और वैकुंठ जाएंगे, 24 घंटा भगवान की भक्ति में मन लगाएंगे और वैकुंठ जाएंगे, और हमारे बाकी जो कर्तव्य है उसको पालन करते समय भी हम भगवान को स्मरण रखेंगे, है ना। तो लेकिन बहुत लोग जो है यज्ञ करते हैं स्वर्ग में जाके सोमरस पीने के लिए या अप्सराओं के साथ भोग करने के लिए, और कई लोग जो है परवाह नहीं करते, ठीक है नरक जाएंगे तो जाएंगे लाइक दैट। तो या कुछ लोग तो नरक मानते ही नहीं है, लेकिन मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता, जाना तो पड़ेगा ही। तो भगवान फिर रोक टोक नहीं करते, ठीक है मैंने समझा दिया, अब आपको नरक जाना है कि वैकुंठ जाना है आप डिसाइड कीजिए। तो इसलिए भगवान जो है उसी के हिसाब से परमात्मा रूप में सबको फल देते हैं, और भगवत धाम जो वापस जाना चाहते हैं उनको भगवान बहुत सहायता करते, बहुत मदद करते हैं। कई बार जैसे हम भगवान को बोले वो आई लव यू कृष्णा, आई वॉन्ट टू कम टू यू, मैं आपके वैकुंठ में आना चाहता हूँ, तो हम भले ही भूल जाए उसके बाद बोल के भगवान नहीं भूलते, भगवान हमें बार बार चांस देते, हमारे पास भक्तों को भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर को परिभूहु अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं, परिभूहु, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, क्यों? क्योंकि भगवान से वस्तुओं का भीख मांगते हैं जीवात्माएं, और मांगना ही पड़ेगा क्योंकि जीवात्मा का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो हमेशा हमें कृपा की याचना करना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा करें। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते, अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते, तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न नहीं उठता। तो हम देखेंगे ईशोपनिषद में भी भक्त जो याचना करते हैं, तो अगर हम सर्वशक्तिमान होते कोई भी मनुष्य, तो भगवान के सामने मुक्ति के लिए याचना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तविक मुक्ति तो क्या है, भगवत धाम वापस जाना है। लेकिन जो निराकारवादी है वो सोचते हैं मुक्ति का मतलब है जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वो भी एक प्रकार का सर्वोच्च मुक्ति है, लेकिन जैसे ही आत्मा सक्रिय होने का इच्छा करता है या कुछ क्रिया करने का, तो उसको फिर से धरातल पर आना पड़ता है। तो इसलिए वो भी इतना सेफ नहीं है, उसमें आनंद भी तो नहीं है, कोई आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, निष्क्रिय होकर परे रहना, आपको एक घर दे दिया जाए और आपको बोले कुछ मत करो परे रहो, आसान नहीं है। अभी कोरोना के समय कितने लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, और क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एक ही रूम के अंदर बंदी बने रहना अकेले बहुत मुश्किल है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो चलती रही है संसार में और चलती रहेगी, जब तक जो याचक है या आत्मा है
वो आध्यात्मिक धरातल पर जो है नहीं स्थित हो जाएंगे, और हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर केवल कृष्ण है, हम सब उन पर निर्भर है। 5,000 साल पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों के द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। कृष्ण ने दर्शाया कि वो भगवान है। अपनी जो बाल्यावस्था में भगवान ने इतने असुरों को मार गिराया, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, पुतना, और इतना शक्तिशाली है भगवान, तो कोई दूसरे व्यक्ति में ऐसा बचपन में वो भी अभी दूध पी रहा है, 1 महीने का है, ऐसा शक्ति नहीं आ सकता है। तो भगवान ने कर दिखाया अलौकिक कार्य। उन्होंने भारो जब ऐसा कोई जिम जाकर जो है बॉडी नहीं बनाने की कृष्ण को जरूरत पड़ी कोई, या भारोत्तोलन का कोई अभ्यास नहीं किया, जो ऐसे वजन उठा के प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन फिर भी गोवर्धन उठा लिया अनायास ही, बाएं हाथ के सबसे कनिष्ठ उंगली में। तो ऐसे है भगवान, ही वो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने कभी किसी सामाजिक बंधन या निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाए। वो ऊपर है निंदा आदि के, वो स्वयं भगवान है। समस्त गोपियां, यहाँ तक कि हम भी कृष्ण दर अभोग्या है, हम आत्मा है। और यद्यपि गोपियां जो है इस भाव से आए थे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, प्रेमी रूप में पाने के लिए, लेकिन गोपी और कृष्ण के संबंध की जो पूजा है वो चैतन्य महाप्रभु तक ने की है। क्योंकि ये जो मिलन है रास लीला में, ये आत्मा और परमात्मा यानी कृष्ण और जो उनके ही अंश, उनका मिलन था, और ये प्रेम की पराकाष्ठा है, उन्नत उज्ज्वल रस है। जबकि चैतन्य महाप्रभु कट्टर सन्यासी थे, अनुशासन का बहुत पालन करते थे, फिर भी कृष्णा और गोपियों का जो मिलन है उनकी वो पूजा करते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए, जो लोग रासलीला को लेके बातें बनाते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। तो श्री ईश उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध है, अदूषित है, कैसे भी अदूषित नहीं कर सकते कोई भी, उन्हें शुद्धम तथा शुद्ध और अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। तो वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी, कोई मान लीजिए अशुद्ध वस्तु है, वो भी भगवान को स्पर्श कर ले तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे, जगाए मधाए। तो भगवान ने जब आलिंगन किया तो वो शुद्ध हो गए, है ना। तो ऐसा है, तो हम अगर भगवान के पास जाते हैं, हम भले ही कितने पापी हो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए कोई इतना विनम्र है भी कि वो सोचे कि मेरे अंदर कितना अहंकार है, कितना गुस्सा है, मैं कितना पापी हूँ, मैं भगवान के मंदिर कैसे जा सकता हूँ या सेवा कर सकता हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। कैसे भी हम पापी है, अहंकारी है, क्रोधी है, लोभी है, कैसा भी है, कृष्ण के पास जाने से ही ये सब वापस, ये सब हमारे अंदर से चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कृष्ण के पास हमें रहना है। तो वे जो है पाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसे भगवत गीता में 9.30 और 31 में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वो सही मार्ग पर है। मान लीजिए कोई भक्त बन गए, नया नया भक्त है, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अरे क्या भक्ति करते हो, इतना गुस्सा है, ये सब जो कमेंट है करते हैं, लेकिन अभी अभी तो उन्होंने भक्ति के स्कूल में भर्ती हुए हैं। भर्ती होने पर भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्यों, भले ही आज ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर उत्तम आचार नहीं है, लेकिन एक दिन वो पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि सही मार्ग में है और उत्तम आचार करने लगेंगे, आचरण। तो भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि भगवान को कोई भी पाप छू नहीं सकता है। तो इसलिए जो भी भगवान के संग में होते हैं, भगवान के भक्ति में होते हैं, उनको भी हमें शुद्ध मानना चाहिए। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत हो, तो भी ऐसे कार्य शुभ होते हैं क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ऐसा लग सकता है हायरे कंस को कैसे मार डाला, ऐसा लगता है कि पाप हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन भगवान ऐसा कुछ करे भी तो उसमें कोई भी पाप उनको छू नहीं सकता है क्योंकि उसमें भी उस आत्मा का भला हुआ, कंस का उद्धार हो गया,
लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनके उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते। तो असुरों को मारना भी भगवान का असुरों के ऊपर विशेष कृपा है। तो चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है भगवान सभी परिस्थितियों में, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। इसमें एक एनालॉजी भी है। तो भगवान हर परिस्थिति में शुद्ध है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब इसे टॉयलेट में है तो उन्होंने जीभ को पकड़ रखा है क्योंकि तो हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर जपते रहते ना भक्त। तो फिर एक छोटा बालक गोपाल आके बोलते हैं आप जीभ को क्यों पकड़ के बैठे, बोलते मैं टॉयलेट के समय हरे हरे नाम ना लूँ इसलिए। बोलते हैं टॉयलेट के समय अगर प्राण निकल गया तो हरे नाम तो हमेशा ही शुद्ध है, हरे नाम तो कभी भी ले सकते हैं, ये शास्त्र सम्मत बात है। तो फिर इस प्रकार से छत्र महाप्रभु ने उनको बहुत वाहवाही दी कि आज से आप गोपाल आप पंडित हो मेरे लिए ऐसा, या गोपाल गुरु हो लाइक दैट। तो कहीं भी हम जप कर सकते हैं हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र, बाथरूम में टॉयलेट में या कहीं भी, लेकिन ऐसा ना करें कि अच्छा टॉयलेट में जप कर सकते हैं तो 15 मिनट बिताना है तो माला लेकर जाए, ऐसा ना करें। लेकिन मुंह से जप कर सकते हैं, मन में जप कर सकते हैं। इसमें तुलना एक एनालॉजी दिया है श्रील प्रभुपाद ने, जैसे कि सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों में भी जो है सूर्य का जो रोशनी है गंदगी में भी पड़ता है, मल में पड़ता है, गंदी नाले में पड़ते हैं, सब में पड़ता है, लेकिन उसके अंदर से फिर जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो आर्द्रता निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है। जैसे कोई वस्तु से स्मेल भी आता है तो हम सूर्य में रखते हैं तो वो बदबू निकल जाती है ना, तो शुद्ध बना रहता है वो, फिर शुद्ध शुद्ध खुद मतलब खुद तो सूर्य की रोशनी शुद्ध है और उसको छूने के बाद भी ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो गया रोशनी, ऐसा नहीं है, सूर्य का प्रकाश शुद्ध ही बना रहता है। निस्संदेह वो अपनी कीटाणु नाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि सूर्य भौतिक है और भगवान ने सृष्टि किया है। जब सूर्य इतना हमें पवित्र कर सकते हैं तो आप सोचिए भगवान का नाम हमें कितना पवित्र कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।